जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र को नित्य जपने से व्यक्ति के जितने भी जीवन में पाप किए हुए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए इस मंत्र को नित्य जपना चाहिए। इसकी जपने की विधि क्या है, संपूर्ण वीडियो आप देखिएगा। ये दुर्गा माता का मंत्र है। दुर्गा माता का मंत्र, दुर्गा माता की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माता को तिलक, चावल, पुष्प, प्रसाद, फल और दक्षिणा चढ़ा करके, दीपक जला करके सबसे पहले संकल्प करें। हाथ में, दाएं हाथ में जल लेकर के जो भी आपके पाप हुए हों उस पाप को लेकर के माता से प्रार्थना करें कि मेरे पापों का शमन होना चाहिए, मेरे पाप नष्ट होना चाहिए, ऐसा बोल करके माता के चरणों में जल को छोड़ दें। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और कोई भी शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो ये मंत्र हैं, मैं धीरे धीरे आपको एक दो बार बताऊंगा तो ये मंत्र आपको बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। इस मंत्र को ऐसे बोलना है, हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुता निवा। पूरा मंत्र कैसे दोहराएंगे, हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुता निवा। तो यह वो मंत्र था। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, कोई भी शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उत्तर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।